थोड़ा सा आगे। आज जो है किस वजह से जो है आप लोगों को आंदोलन के लिए जो है उतरना पड़ा? केंद्र सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क 40% लगा दिया है, उससे आपको पता है कि विगत चार वर्षों से प्याज के दाम लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा था और वर्तमान समय में एक हफ्ते भर में लगभग हम लागत मूल्य तक पहुंचे थे कि सरकार ने जो शुल्क लगा दिया है उसके कारण हमारा प्याज का दाम औंधे मुंह गिर गया है और उसके कारण किसान बर्बाद हो रहा है। हम सब लोगों ने आज संयुक्त किसान मोर्चा के समस्त पदाधिकारीगणों ने अभी रतलाम मंडी में मीटिंग करके एक निर्णय करा है और ये आह्वान है आपके माध्यम से कि पूरे मध्य प्रदेश में 22 अगस्त दोपहर 12 बजे को सभी मंडियों पर तालेबंदी की जाएगी और उसके बाद 23 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आपके माध्यम से हम अनुरोध करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के सभी किसान यूनियनों ने समर्थन किया है और मध्य प्रदेश की समस्त यूनियनों ने भी इसका समर्थन किया है कि हम सब लोग ये चरणबद्ध आंदोलन जब तक चलाएंगे तब तक केंद्र सरकार ये जो शुल्क किसानों पर थोपा गया है ये वापिस नहीं ले। ये जो निर्यात टैक्स है, ये ड्यूटी बढ़ाई है, ये व्यापारियों के लिए है क्योंकि निर्यात करना है, किसानों पे इसका किस तरह से असर? देखिए, उत्पादक किसान है और व्यापारी अपना कमीशन लेकर माल बाहर बेचता है। जब हमारे व्यापारियों का माल विदेश में निर्यात नहीं होगा तो स्वतः ही हमारे को किसानों को नुकसान होने लग जाएगा। हमारे यहाँ पर जो व्यापारी जिसको आढ़तिया भी कहते हैं वह हमारा किसानों का माल मंडी से उठाकर केवल सप्लाई करते हैं, जितना आगे माल की डिमांड होगी उसी रूप में वो सप्लाई करते हैं और दाम भी उसी पर तय होता। क्या मांग करते हैं, होना क्या चाहिए? हमारे को तो प्रोत्साहन राशि देना चाहिए, उल्टा हम पर 40% स्टाम्प यो निर्यात शुल्क जो सरकार लगा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर देश में किसान जो प्याज उत्पादन करता है उसको बहुत सारी लागत लगाना पड़ती है और हॉर्टिकल्चर का ये प्रोडक्ट होने के बाद सरकार हमको कोई भी विपत्ति या फिर आप देखते ओला पाला या फसल खराब हो जाती है तो बीमा तक का इसमें प्रावधान नहीं है। और यह जब जब प्याज के भाव बढ़े हैं तब तक हमारी सरकारें बदल जाती है तो हमको विदेश से बड़े 100-200 रुपए किलो में आयात करना पड़ता है, तो सरकार यहाँ पर अपने जो भारत कृषि प्रधान देश है उसके देश के किसानों की कमर तोड़ने पर तुली हुई है। जो सरकार को प्याज का स्टॉक करके देश का संतुलन बनाना चाहिए वो आज हमारा देश का किसान बना रहा है और जो स्टॉक करके बैठा है उसको बर्बाद करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसके लिए पूरे देश का किसान आज एक लामबंद होकर ये लड़ाई किसानों के हक की लड़ रहा है।